और अब देखते हैं कि आज का इतिहास क्या कहता है। आज 1915 में पहली बार प्लूटो की तस्वीर ली गई थी, लेकिन उस समय प्लूटो को एक ग्रह के रूप में साबित नहीं किया जा सका था। इसके बाद 1930 में प्लूटो को हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह मान लिया गया, लेकिन इसके 75 साल बाद 2005 में प्लूटो को ग्रह मानने पर सवाल उठने लगे और ये कहा जाने लगा कि प्लूटो हमारे सौर मंडल के बाहरी हिस्से में मौजूद है और ये ग्रह हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों से थोड़ा अलग है। इस बहस के बाद वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ग्रह की परिभाषा को अपडेट किया और प्लूटो को एक ग्रह यानी प्लैनेट की जगह ड्वार्फ प्लैनेट बताया गया। वर्ष 1972 में आज ही के दिन भारत और बांग्लादेश ने मित्रता और शांति के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1971 की लड़ाई में भारत ने तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद बांग्लादेश वजूद में आया था। इस संधि के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते और मजबूत हो गए थे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने देश की व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव करने के बारे में निरंतर सोचते रहिए। दुनिया में जो सबसे अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, हमें उनसे भी सीखना होगा और खुले मन से उन्हें अपने देश में लागू करना होगा। हमेशा इतिहास का बंधक बने रहना भी ठीक नहीं है। नमस्कार।